इस गुनाह के साए में मैं और नहीं रह सकता। मैं सामना करूंगा अपने परिवार का, चाहे जो भी हो। आज उन्हें सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगा। सुनिए, आज मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। मैं आप सबके सामने एक सच्चाई की हिम्मत कैसे हुई? कैसी औरत हो तुम कजरी? इतनी जिल्लत सहने के बाद तो किसी को भी शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन तुम में तो शर्म नाम की भी नहीं है। क्यों आई हो तुम यहां? दीदी मेरी बात तो सुनिए, बाबूजी की मौत की खबर सुनकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं मानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, पर मैं तो बस बाबूजी की मौत पर दिलासा देने। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे दिलासे की, और बंद करो अपना ये ढोंग। वैसे ही गरोड़िया परिवार ने बहुत दुख झेले हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया इस घर पर फिर से पड़े, इसलिए तुम जाओ यहाँ से, जाओ कजरी। पर दीदी चली जाओ यहां से, वरना हम लोग तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। क्षितिज, हमारी छानबीन पूरी तरह से चालू है, पर अब तक हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा है, इसलिए इस वक्त यह कह पाना मुश्किल है कि सूर्यकांत जी की मौत कैसे हुई। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी सबूत हमारे हाथ लगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो कातिल बहुत जल्द वो फांसी के तख्ते पर होगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, हमें आप पर और पुलिस पर पूरा भरोसा है। अब हम चलते हैं। सूर्यकांत, बाप दवाइयाँ ले लीजिए। बाप ये दवाइयाँ आपके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। नहीं खानी मुझे ये दवाइयाँ, नहीं करना अपना इलाज। लीजिए बाप, कहाँ न ले जाओ इन दवाइयों को। बाप प्लीज संभालिए अपने आप को, नहीं जीना मुझे। मुझे भी सूर्यकांत के पास जाना है, मर जाने तो मुझे। नहीं बाप ऐसा मत कहिए। तो क्या कहूं, मुरारी ने छीन लिया मेरे बेटे को। अगर किसी को बुलाना ही था तो मुझे बुला लेता बाप।
हेलो कचरी, क्या है ये सब? क्या जरूरत थी घर में आने की? अगर किसी को कुछ पता चल जाता तो? जरूरत थी युवराज, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के सामने सच्चाई बोलने से रोकने आई थी और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए। कचरी, तुम क्या एहसास दिलाना चाहती हो मुझे? इंस्पेक्टर ने जो कहा इस बात का। कौन सी बात? तुमने सुना नहीं इंस्पेक्टर ने क्या कहा? अगर उन्हें कोई भी बात का सबूत मिल गया ना तो वो कातिल को नहीं छोड़ेंगे। और तुम अपने परिवार को सच्चाई बताकर हंसी खुशी जेल चले जाओगे? लेकिन उसके बाद नमन का क्या होगा युवराज? तुमने उसके बारे में सोचा? कौन करेगा उसकी परवरिश? फिर ना चाहते हुए भी मुझे वापस कोठे पर जाना पड़ेगा युवराज। नहीं कचे, तुम कोठे पर नहीं जाओगे। तो फिर मैं क्या करूँ युवराज? क्या रास्ता है मेरे पास? सोचो युवराज, अगर तुमने सारी सच्चाई बता दी तो तुम्हें तुम्हें सारी जिंदगी के लिए जेल हो सकती है, या तो फिर बापूजी के कत्ल के इल्जाम में फांसी। उस लॉकेट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। गोखले जी साहब, कुछ मिला क्या? नहीं साहब। अरे ढूंढो ठीक से, यहां जरूर कोई ना कोई सुराग मिलना चाहिए। अच्छी तरह देखो। ठीक कह रही है कचरी, अगर पुलिस को कोई सबूत मिला तो मैं सारी जिंदगी जेल में रहूंगा या फिर फांसी। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं पुलिस को छानबीन करने से? साहब क्या हुआ? साहब ये चेन और लॉकेट मिला है। क्या? हाँ साहब। इस वक्त मुझे फैमिली में से किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो जरूर इसे पहचान जाएंगे। साइट पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म क्यों नहीं हुई? किसी भी तरह पुलिस वालों को कोई भी सबूत ना मिले, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा, वरना
हेलो जी इंस्पेक्टर। क्या? मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं जी। क्षितिज कहां जा रहे हो तुम? अच्छा युवराज तुम आ गए, इंस्पेक्टर का फोन आया था। इंस्पेक्टर का? वो क्या कह रहे थे? पुलिस को उस जगह पर तलाशी में एक लॉकेट मिला है, तो हमें उसे पहचानने के लिए हमें पुलिस स्टेशन बुलाया। अरे क्षितिज मैं तो भूल गया, मिस्टर मेहता का फोन आया था ऑफिस से, वो खनन एसोसिएट्स की फाइल मांग रहे थे। तुम ऑफिस जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ इंस्पेक्टर से मिलने, ठीक है? युवराज इससे जरूरी काम और कोई नहीं है, हम वो बाद में भी देख लेंगे। अरे पर क्षितिज पर कुछ नहीं, तुम चलो। अरे युवराज चलो। इंस्पेक्टर आइए आइए बैठिए। मैं आप ही लोग का इंतजार कर रहा था। पांडे। यस सर। वो लॉकेट लेकर आओ। ओके सर। सर इस लॉकेट को आप लोगों ने पहले कहीं देखा है? बता सकते हैं ये किसका है? डॉक्टर मैंने इस लॉकेट को कहीं देखा है। क्षितिज को किसी भी हालत में याद नहीं आना चाहिए कि ये लॉकेट मेरा है। इंस्पेक्टर लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कहां देखा है। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इस लॉकेट को अपने साथ घर ले जाइए। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इसे पहचानता हो। देखिए मिस्टर क्षितिज, ये लॉकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। शायद इस लॉकेट से हमें पता चल सकता है कि सूर्यकांत जी की मौत कैसे हुई। बस इंस्पेक्टर बस, हमें नहीं जानना कि पापा की मौत कैसे हुई है। बात बात पर पापा की मौत के बारे में बात करके मेरी फैमिली को और तकलीफ पहुंच रही है। हम बहुत मुश्किल से इस हादसे से बाहर आ रहे हैं, अब आप हमारे जख्मों को कुरेद कर वही बात क्यों सामने ला रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, पापा की मौत के बारे में मत बात कीजिए। देखिए मुझे लगता है ये चेन और लॉकेट पापा का ही होगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरी फैमिली को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। रिलैक्स युवराज। इंस्पेक्टर आपने और पुलिस ने हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए थैंक्स। पर बापूजी की मौत एक हादसा थी। हम चाहते हैं कि आप ये केस बंद कर दीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं क्षितिज की बात से सहमत हूँ, ये छानबीन बंद कर दीजिए। अब इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। आई विल क्लोज द केस। बच गए, वरना कानून की हथकड़ी मेरे हाथ में होती और फांसी का फंदा मेरे गले में। सॉरी युवराज, मैंने तुम्हें यह बात बताई और तुम्हें इन हालात से गुजरना पड़ा। मुझे बात तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी, बल्कि तुमने तो मुझे ये सारी बातें बताकर मेरी हेल्प की है, वरना आज सच्चाई जरूर सामने आ जाती। गौरी जय श्री कृष्ण। मम्मी जी
दीजिए मैं करती हूँ। नहीं बेटा हो गया है, जाओ लक्ष्मी और जानवी का हाथ बटा। वाह, पूजा के बाद सुबह से आप यहीं बैठी हो, दवाइयाँ भी खाई हैं आपने, जाइए जाकर आराम कीजिए। और अगर आज क्षितिज को याद आ जाता कि वो लॉकेट मेरा है तो अब तक मैं जेल में होता। थैंक गॉड, बाल बाल बच गए। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि जेल में तुम्हारा क्या हाल होता। जोश जोश में सारी सच्चाई कहने चले थे, पर तुम्हारे जेल की सारी जिंदगी की सजा हमारे नमन को भुगतनी पड़ती। तुम ठीक कह रही हो गजरी, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। पर फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो। नमन तुम्हारे साथ खेलकर कितना खुश है। जब भी तुम आते हो नमन भी हंसता है। तुम्हें इस तरह नमन के साथ वक्त बिताते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है युवराज। काश कि ऐसा हो कि तुम 2400 घंटे नमन के साथ रहो। चाहता तो मैं भी यही हूँ। तो फिर युवराज क्या नमन गरोड़िया परिवार में नहीं रह सकता? कचरी है तुम। युवराज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना सोच समझ के कह रही हूँ। घर वालों का भी तो मन करता होगा नमन को अपनी गोद में खिलाने का, उसे अपनी नजरों के सामने देखने का। मेरा क्या है, मैं तो किसी भी हाल में रह लूंगी, लेकिन हमारे बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा होगा। युवराज नमन गरोड़िया परिवार का वारिस है ना, तुम्हारे साथ साथ इसे घर वालों का भी प्यार मिलेगा। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता कजरी, पर मुझे सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कैसी है नियति? घबराने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है नियति, मां बनने वाली है। क्या? अच्छा मैं चलती हूँ। यकीन नहीं हो रहा माँ, नियति की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आज सच होने जा रहा है। दीदी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, वरना एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने ना ही कह दिया था। नहीं गौरी, ये चमत्कार नहीं है, यूं कह लो कि नियति की जिद है जिसके सामने भगवान भी कमजोर पड़ गए। हाँ दीदी, आज बड़े दिनों बाद गरोड़िया निवास की दहलीज पर खुशियों ने कदम रखा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बा। मुबारक हो बा, तुम सबको भी मुबारक हो। सूर्यकांत इस घर में युवराज के बेटे के रूप में फिर से जन्म लेगा।